नमस्कार दोस्तों, माजा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि वीडियो के थंबनेल पे ही आप देखे होंगे कि 2 दिनों के अंदर जो है आप अपने यूट्यूब पे 1K सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम और व्यू जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे ग्रो करा सकते हैं। वहाँ पे स्पष्ट देखे होंगे एडी के द्वारा जो है आप अपने यूट्यूब चैनल को सिर्फ 2 दिनों में मोनिटाइज कर सकते हैं, यानी कि जो मोनिटाइजेशन का क्राइटेरिया है वो आप 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एडी क्या होता है सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। अगर आप एडी समझ लेते हैं तो ये पूरा जो वीडियो का गेम है यानी कि यूट्यूब का जो पूरा गेम है वो आपको बड़े ही आसानी से समझ में यहाँ पे आ जाएगा। एडी का मतलब होता है एडसेंस, गूगल एडसेंस। ये आप जानते होंगे, अगर आप यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो गूगल एडसेंस एक गूगल का ही वेबसाइट है जिसका काम होता है एडवर्टाइजमेंट करना, यानी कि ठीक वो एक तरीके का एजेंसी है और हर प्रोडक्ट का वो एडवर्टाइज आपके वीडियो पे डालती है। जैसा कि आप कई सारे क्रिएटर्स का वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देखते होंगे तो उस यूट्यूब पे जो भी ऐड चलाया जाता है वो ऐड गूगल एडसेंस के द्वारा ही चलाया जाता है। यूट्यूब पे एक गूगल एडसेंस एजेंसी है, जो भी ऐड आपको यूट्यूब पे देखने को मिलता है वो गूगल एडसेंस के द्वारा ही चलाया जाता है, या फिर यूट्यूब पे जो अर्निंग होती है वो भी गूगल एडसेंस अकाउंट के द्वारा ही आपके पास अर्निंग होती है। अब जैसा कि स्क्रीन पे आप देखिए, हम कुछ ऐसे यूट्यूबर का आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं जिनका इमेज हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस वीडियो के नीचे जो है येलो कलर में यानी कि पीला कलर में एडी करके वहाँ पे डाला हुआ होगा, यानी कि ये सब वो वीडियो है जिसको यूट्यूबर गूगल एडसेंस को एडवर्टाइजमेंट के लिए देता है। जैसे ठीक मेरे वीडियो पे जिस तरीके से अगर गूगल के द्वारा ऐड चलाया जा रहा है तो अगर मेरे वीडियो पे व्यू नहीं उठ रहा है तो हम क्या करते हैं, अपनी वीडियो को गूगल एडसेंस को दे देते हैं। तो वहाँ पे हमको पे करना होता है। कितना करना पड़ेगा उसके लिए आपको गूगल एडसेंस पे जाके चेक करना पड़ेगा। वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी में जाके आप चेक कर सकते हैं कि कितना पे आपको करना है, कितना पे नहीं करना है। सब सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगा, कितना आप विज्ञापन वहाँ पर डाल सकते हैं, गूगल एडसेंस के पेज पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन एडी का मतलब यही हो जाता है कि अगर आपके वीडियो पे व्यू नहीं उठ रहा है, क्योंकि अब जो स्थिति YouTube की हो गई है, अब YouTube पुराना YouTube नहीं रह गया है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है क्राउड हो चुका है, भीड़ इतना बढ़ गया है कि इस भीड़ में अपने आप को ग्रो करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। लगभग अगर आज की डेट की हम बात करें तो अगर एक साल में 80-100% अगर यूट्यूबर यहाँ पे अपना चैनल क्रिएट कर रहा है तो वहाँ पे आपको पकड़ के चलना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ 40% ही ऐसे यूट्यूबर है जो सक्सेस हो रहे हैं, बाकी 60% जो यूट्यूबर है वो डाउन हो जाते हैं। और डाउन होने का एक ही रीज़न है, चूँकि मोनिटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। और जब मोनिटाइजेशन का क्राइटेरिया अगर पूरा आप नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके यूट्यूब चैनल पे गूगल एडसेंस के द्वारा ऐड नहीं चलाया जाता है। इस बीच में क्या होता है कि कई सारे ऐसे न्यू क्रिएटर्स हैं जो सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा हम पैसा अपने चैनल पे इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी कि थोड़ा ज़्यादा उस पर इन्वेस्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 10 हज़ार रुपया अगर आप अपने चैनल पर इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका चैनल जो है यकीन मानिए यहाँ 5 दिन के अंदर जो है पूरा क्राइटेरिया आपको पूरा करके दे देता है। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये सब स्क्रीनशॉट का मतलब क्या है कि हम गूगल एडसेंस पर जाके अपने वीडियो के लिए पे करते हैं। और गूगल एडसेंस को ये वहाँ पर काम होता है कि आपके वीडियो को जितने लोग यूट्यूब देख रहे हैं उसके स्क्रीन पर ऊपर में ही दिखाना, बीच में नहीं दिखाएगा, ऊपर में ही वो दिखाएगा। जैसे अगर कोई मोबाइल अपना डिवाइस ओपन करता है तो गूगल एडसेंस आपके वीडियो को उस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे सबसे ऊपर की ओर ही दिखेगा। कई सारे क्रिएटर्स को यहाँ पे पता नहीं चलता है कि कौन सा वीडियो जो है यहाँ पे विज्ञापन के द्वारा चलाया जा रहा है और कौन सा वीडियो है जिसका रियल कंटेंट है वो विदाउट, जैसे हम अपलोड कर रहे हैं तो मेरे वीडियो का कोई भी वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं है। इसका पहचान सिर्फ यही है कि आप जो देख सकते हैं इस वीडियो का हम स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, नीचे में आप देखिए यहाँ पे येलो कलर में AD लिखा हुआ होगा। अगर इस तरीके से लिखा हुआ होगा तो आप सीधा सीधी समझ जाइएगा ये जो वीडियो है वो गूगल एडसेंस के द्वारा जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए डाला गया है, यानी कि व्यू यहाँ पे बढ़ाने के लिए, चैनल को ग्रो कराने के लिए जो है गूगल एडसेंस का सहारा लिया जा रहा है। तो अगर आपके चैनल पे जो है नहीं बढ़ रहा है व्यू या फिर सब्सक्राइबर या फिर वॉच टाइम तो ये गूगल एडसेंस का आप यूज वहां पे कर सकते हैं। और गूगल एडसेंस का यूज करके पेमेंट आप वहां थोड़ा अपना खर्च करके आप अपने चैनल को जो है बहुत कम समय में वहां पर ग्रो करा सकते हैं। अब इस पे जो वॉच टाइम उसका या फिर वॉच टाइम जो है वो यूट्यूब वहाँ पे काउंट करेगा या फिर नहीं करेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर 100% यहाँ पे देखें वैसे लोग जिन्होंने अपना गूगल एडसेंस के द्वारा चैनल को ग्रो कराया है तो उसमें लगभग चांसेस जो है कई सारे का वहाँ पर क्लियर हो गया है, यानी कि मोनिटाइजेशन ऑन हो गया है। लेकिन कुछ क्रिएटर्स ऐसे भी थे जिनका वहाँ पर ये था, प्रॉब्लम ये हुआ था कि उन्होंने पैसा अपने चैनल पर खर्च भी किया, गूगल एडसेंस के द्वारा अपने वीडियो को एडवर्टाइजमेंट के लिए भी डाला, लेकिन जैसे ही उनका वॉच टाइम पूरा हुआ और उन्होंने मोनिटाइजेशन के लिए यूट्यूब पे अप्लाई किया तो वहां से उस वीडियो का जो वॉच टाइम है वो कट करके हटा दिया गया।
यानी कि वैसा वॉच टाइम उनके चैनल पर दिया गया जो वॉच टाइम पब्लिक सर्च करके देखे हुआ था। गूगल एडसेंस के द्वारा चलाया गया ऐड को, यानी कि उस तरीके से अगर कोई पब्लिक देखे हुआ था तो उसका वॉच टाइम जो है यूट्यूब के द्वारा कट कर दिया गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर केसेस में होता है, ये सिर्फ दो या तीन लोग थे। अब पता नहीं उनका लाइव हम देखे नहीं थे, उनका सिर्फ प्रॉब्लम था, उन्होंने अपना वीडियो बना के यूट्यूब पे डाले हुआ था तो वहाँ पे उस वीडियो को हम देखे थे। लेकिन अगर इस तरीके का होता कि वॉच टाइम अगर काट कर लिया जाएगा या फिर उस वॉच टाइम को यूट्यूब काउंट ही नहीं करेगी जो वीडियो आप गूगल एडसेंस के द्वारा चलाते हैं, तो फिर यहाँ पर बेनिफिट क्या होगा क्रिएटर को? क्रिएटर क्यों अपने चैनल के लिए पैसा इन्वेस्ट करेगा या फिर क्यों गूगल एडसेंस का सहारा लेकर अपने वीडियो को वहाँ पर प्रमोट करेगा? तो शायद ये केसेस जो है बिल्कुल कम होगा। एक दो के साथ अगर हुआ है तो वहां पे फॉल्ट कुछ और होगा, उनको समझ में नहीं आया होगा। और इस तरीके से अगर आप नए क्रिएटर से या फिर परेशान हो चुके हैं दो या तीन बार चैनल बना के अगर आप प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी वीडियो सक्सेस वहां पे नहीं हो पा रही है, तो गूगल एडसेंस का आप सहारा ले लीजिए। गूगल एडसेंस का सहारा लेंगे तो 5 दिनों के अंदर जो है आपके चैनल का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, क्योंकि भारत में इतने सारे क्रिएटर्स हैं, भारत में इतने सारे लोग जो है वीडियो देखते हैं, तो वहां पे यूट्यूब आपके वीडियो को जो है ऊपर में ही डिस्प्ले पे ही दिखाने का काम करती है, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस वीडियो को देखेंगे, उससे आपका सब्सक्राइबर भी गेन हो जाएगा या फिर व्यू भी बढ़ेगा और साथ साथ जो वॉच टाइम का क्राइटेरिया है वो भी आपका बड़े ही आसानी से पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो है एडी का सहारा लेकर, यानी कि गूगल एडसेंस का सहारा लेकर, आप अपने यूट्यूब चैनल का मोनिटाइजेशन का क्राइटेरिया बहुत जल्द जो है पूरा कर सकते हैं।